जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। मैं आज बताऊंगी कि शनिवार को जन्मे लोग कैसे होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, तो ये 7 दिनों में हमने आपको बताया है कि 7 दिनों में, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और कल रविवार है, तो हर दिन जन्मे लोग जो है किस तरीके के होते हैं वो आपको जानकारियां हम दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आज शनिवार का दिन है, तो मैं आपको शनिवार को जन्मे लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। साथ ही आज ओणम है और इसको थ्री ओणम भी कहते हैं। ओणम जो है केरल का 10 दिवसीय त्यौहार है और इस दिन जो है इस पर्व का 10वां और अंतिम दिन बहुत खास माना जाता है, जिसे थ्री ओणम कहते हैं। मलयालम में श्रावण नक्षत्र को थिरु ओणम कहकर पुकारा जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में श्रावण नक्षत्र के प्रबल होने पर थिरु ओणम की पूजा की जाती है। थ्री ओणम जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, थिरु और ओणम, जिसमें थिरु का अर्थ है पवित्र, या संस्कृत भाषा के श्री के समान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। इसके अलावा भी कई आस्थाएं इस दिन खास दिन से जुड़ी हुई हैं। जैसे इसी दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्म हुआ था। केरल में इस त्यौहार के लिए 4 दिन का अवकाश रहता है, जो थिरुओणम के दिन से 1 दिन पहले से प्रारंभ होकर और उसके बाद 2 दिन बाद समाप्त होता है। 4 दिन, प्रथम दिन प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय ओणम मुख्य रूप से थिरु ओणम का दिन होता है। तो पहले तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खास बातें करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं पंचांग। तारीख है 21, दिन है शनिवार, माह है श्रावण, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह चतुर्दशी, नक्षत्र है श्रवण, चंद्रदेव आज मकर राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 11:58 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहु बंगाल की बात की जाए तो प्रातः 9:08 से 10:46 तक राहु काल चलेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलता है। सूर्योदय प्रातः 5:53 पर, तो सूर्यास्त शाम को 6:55 पर। ये होगी पूरी पंचांग की जानकारी। दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन वाले दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर होता है। आज जो है श्रवण नक्षत्र प्रभावी है, तो उसी बारे में हम आपको बताएंगे। कहते हैं वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब 3 पग भूमि मांगी थी, तो उनका पांव आकाश में श्रवण नक्षत्र पर ही पड़ा था। विद्वानों ने श्रवण नक्षत्र के 3 तारों को भगवान विष्णु के 3 चरण माने हैं। उनका विचार है राजा बलि का यज्ञ भंग कर देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया था। वे विराट पुरुष वामन बनकर यज्ञ भूमि में पधारे और 3 पग भूमि की याचना की। 1 पग में समूची धरती, दूसरे में आकाश नाप कर, तीसरा पग स्वयं राजा बलि के शीश पर रखकर उसे पाताल का राज्य प्रदान किया। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, अध्ययन, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति और स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य का मूल आधार है। कुछ विद्वान 3 तारों में त्रिलोक, त्रिकाल और त्रिगुण देखते हैं। कहीं कहीं श्रवण नक्षत्र के 3 तारों को भगवान शिव का त्रिशूल माना गया है। कभी श्रवण नक्षत्र की तुलना मनुष्य के कान से की जाती है, क्योंकि श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण नक्षत्र का देवता भगवान विष्णु को माना गया है। संसार का भरण पोषण, प्रबंधन व्यवस्था और विभिन्न शक्तियों का संतुलन बनाए रखना ही भगवान विष्णु का कार्य है। इसीलिए भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। श्रवण नक्षत्र मकर राशि में पड़ता है, इसीलिए जिन लोगों की राशि मकर है उनका श्रवण नक्षत्र हो सकता है। तो ये हो गई श्रवण नक्षत्र के बारे में कुछ खास जानकारी। आज शनिवार दिन है, तो आज का दिन जन्मे लोग कैसे होते हैं जल्दी से आपको ये बताते हैं, फिर चलेंगे आपके राशिफल पे। ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का जन्म जिस वार को होता है, उस वार के कारक ग्रह का उसके स्वभाव और भविष्य पर गहरा प्रभाव होता है। यह प्रभाव जीवन भर रहता है। जिन लोगों का जन्म शनिवार को होता है, उन पर शनि ग्रह का प्रभाव अधिक होता है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि नेचर आदि कैसा होता है इन लोगों का। शनिवार को जन्मे लोग कंजूस होते हैं। ये लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। इन्हें अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में इनकी विजय होती है। शनिवार को जन्मे लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। अपनी बात ही उनको सही लगती है। ये सामान्य कदकाठी के होते हैं। ये अपनी मेहनत और लगन से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, अपने हसमुख स्वभाव के कारण ये विचलित नहीं होते, क्योंकि शनि का आशीर्वाद इन पर हमेशा रहता है। ये धोखेबाज नहीं होते, लेकिन प्रेम प्रदर्शन भी नहीं करते। ये लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसी दक्ष हो जाते हैं। वैसे ये लोग विज्ञान, टेक्निकल, कृषि, वाहन संबंधी, भूगोलविद, पुरातत्व के जानकार, जज, आईटी फील्ड, जासूस या गुप्त विभाग, पत्थर लकड़ी से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों को अनेक प्रकार के रोग दोष होते हैं। नसों से संबंधित रोग, हड्डी रोग, गठिया पथरी, जोड़ों का दर्द, शारीरिक कमजोरी, सूखा रोग, कर्ण रोग,
कमर या पीठ दर्द या पांव से जुड़ी जो है बीमारियां इन्हें परेशान करती है। ये अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, योग्य होते हुए भी ये मान सम्मान कम पाते हैं। ये बुरे नहीं होते लेकिन कई बार परिस्थितियां इन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं। ये एकांत प्रिय, प्रकृति प्रेमी, समाज सुधारक, दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाले और अनेक दुखों का सामना करने वाले होते हैं। जीवन के आरंभ में अनेक कष्ट इन्हें मिलते हैं लेकिन इनका बुढ़ापा जो है वो सुखमय होता है। इन लोगों के शिक्षा में अनेक बाधाएं भी आती हैं। तो ऐसे होते हैं शनिवार को जन्मे लोग। आप बताएंगे आपका आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो फटाफट हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल यानी मून साइड बेस्ड है। तो पहली राशि के साथ शुरुआत करते हैं, मेष के साथ। आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके दशम भाव में रहेंगे। आज के दिन स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा और आप अध्यात्म की सहायता ले सकते हैं क्योंकि मानसिक तनाव को भगाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही होता है। पैसों की बात कर ली जाए यानी आर्थिक जीवन की, तो आज के दिन जो है आपको अतिरिक्त धन को बेकार में खर्च ना करते हुए संभाल कर रखने की कोशिश करनी होगी क्योंकि यही धन आपको भविष्य में न केवल काम आएगा बल्कि आपको सुरक्षित भी महसूस कराएगा। यदि आप आर्थिक हालातों और धन की कमी को लेकर परेशान हैं तो आज आपको उसमें सुधार की ओर काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, तो आज अपने परिवार के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा जिससे आपको कई अहम फैसले लेने में मजबूती मिलेगी। प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो आज आपके जीवन में किसी ऐसे का आगमन होगा जिससे आपकी आंखें चार होंगी और उनकी तरफ एक खास आकर्षण महसूस करेंगे। सिंगल लोगों के जीवन में प्यार का आगमन जल्द ही होने वाला है, बस अपनी आंखें खुली रखिए। वहीं आप दूसरों को यूं तो समय की कीमत बताते घूमते हैं लेकिन जब अपने पर आती है तो इसका पालन नहीं करते। ऐसे में आज आप खुद को इस बात को समझाते हुए समय का सदुपयोग करें। जो जातक वैवाहिक है इस राशि के आज अपने साथी के प्रति आकर्षित रहेंगे और ताज़ा फूल की तरह अपने वैवाहिक जीवन में ताजगी लाने की कोशिश करेंगे। अब बात करें हमारे छात्रों की, तो आज के दिन जो है आप सारे कामों को पीछे रखकर पढ़ाई को प्राथमिकता दें। इस वक्त ध्यान को कहीं भी भटकने से बचाएं, हो सके तो रोज़ उठकर ध्यान किया कीजिए यानी योग किया कीजिए। गृहिणियों को आज के दिन जो है उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों ने उनके जीवन साथी या उनके परिवार को लेकर फैलाई हैं। बात जो भी हो पहले उसकी सच्चाई को जान लें, नहीं तो खामखा रिश्ते खराब होंगे। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, वो है एक, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर दूध की एक थैली किसी गरीब महिला को दान में दे दें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की, तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज नवम भाव में रहेंगे। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आज के दिन थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब बात करें पैसों की, तो आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं फैमिली में यानी पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें निपटा लें ताकि परिवार वाले भी इस बात को समझें कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज अगर आप अपने प्रेमी से रूठें तो वो आपको मनाने के लिए कई तरह के स्वांग रचा सकते हैं। आज के दिन आपके बात करें मैरिड लोगों की, तो प्रेम की अधिकता देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। वहीं अपने विश्वास पात्र लोगों के आसपास रहना सही है लेकिन अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको नए लोगों से भी मिलना होगा। छात्रों की बात करें तो आज उन्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं जिससे कोई पारिवारिक परेशानी भी उत्पन्न होने की संभावना है। गृहिणियों का दिन आज घर के कामों को करने में गुजर सकता है। शुभ अंक है एक, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर शिवजी को पंचामृत से स्नान कराइए, हेल्थ बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की, तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज अष्टम भाव में रहेंगे। आज के दिन सारे कामों को छोड़कर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और योग ध्यान के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे। धन संबंधित मामलों में आज का दिन अच्छा रहने वाला है क्योंकि आज तक आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल भी आपके सामने आएगा। आज का दिन अच्छा है, आज आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आप अपनी बातों से आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। घर के छोटे सदस्यों के साथ शाम का वक्त गुजार कर आपका मूड अच्छा हो सकता है। आज के दिन आप अपने रिलेशन में ज़्यादा जिस प्रयास कर रहे थे प्रेमी को खुश करने की और कोई गलतफहमी दूर करने की, तो आपका ये प्रयास जो है ये काफ़ी हद तक सफल हो जाएगा। कोई बदलाव आएगा जिससे आपका प्रेमी काफ़ी खुश हो जाएगा। आज के दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। वहीं आज आपके आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा और इससे आपको आज फायदा भी होगा यानी आपकी पर्सनालिटी की वजह से। दोस्तों आज आप कुछ आप में से लोग जो है ईर्ष्या भी फील करेंगे जिसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा। यानी
जलस जो है, जलसी वाला जो फैक्टर है वो आज आपके में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। छात्रों के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन आपका पढ़ाई में मन कम और कहीं और ज़्यादा लग सकता है। गृहिणियाँ जो हैं, आज आपकी कोई बहुत तारीफ करने वाला है। शुभ अंक है आज शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को लाल या नारंगी किसी भी रंग की कोई वस्तु भेंट में दे दीजिए, आज आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके सप्तम भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो आज सेहत के मामले में ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नजर आ रही हैं। चंद्रमा की दृष्टि आज आपको जो है दुरुस्त रखेगी। बात करें पैसों की तो आज का दिन धन संबंधित मामलों में कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी जेब पर नजर बनाए रखें और बेवजह जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी खर्च ना करें। पारिवारिक जीवन में आज अच्छे फल मिल सकते हैं। शाम के वक्त घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। वहीं अविवाहित जातकों को आज प्रेम जीवन में आनंद आ सकता है। आज आप किसी बात के चलते अपने पिता से कोई अनुमति मांगना चाहते हैं तो उस बारे में उनसे बात ना करें, क्योंकि आज संभावना है कि आपको उत्तर ना में ही मिले। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जीवन साथी रोमांस के मूड में होगा, यानी आज जो है वो आपको खुश करने के लिए कुछ जो है रोमांटिक चीज़ें कर सकता है। वहीं आज लव पार्टनर भी आपको खुश करने के लिए कोई सरप्राइज दे सकता है। दोस्तों, नम्रता आपके व्यवहार का ऐसा गुण है जिससे आप सबका दिल जीत लेते हैं। इस गुण को बनाए रखें, जितना हो सके विनम्र बने रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से विनम्र रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ कठोरता से ही बात करता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को संयम रखें और दूसरों की बातों को सुनकर अपने व्यवहार को ना बदले तो अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ खास फलदायी साबित नहीं होगा। आज ध्यान जो है पढ़ाई से हट सकता है। वहीं जो इस राशि की गृहिणियाँ हैं, आज काफ़ी सारा समय आप जो है सोशल मीडिया पर बिताने वाली हैं, अपनी मनपसंद चीज़ों को कर सकती हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर सूर्य को थोड़ी देर निहार कर सूर्य मंत्र ओम ध्रुणी सूर्याय नमः का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी मैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि हल्का फुल्का सिर दर्द आज आप महसूस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सेहत अच्छी रहेगी। वहीं आज आपकी माता जी की सेहत थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है। उन्हें जोड़ों में दर्द या शुगर या बीपी जैसी बीमारियां आज दिन भर परेशान करेंगी, जिससे आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके लिए प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपके पास धन आएगा, इस धन से आप अपनी भविष्य की कोई बड़ी योजना को साकार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन को देखें तो घर पर किसी सदस्य की वापसी काफ़ी लंबे समय के बाद होगी, जिस वजह से परिवार में जश्न और उल्लास का माहौल रहेगा। छोटे भाई बहन आज अपनी जिम्मेदारियों का को समझेंगे और आपके बोझ को हल्का करेंगे, आप चैन की सांस लेंगे। वहीं प्रेम प्रसंग के लिए भी दिन सुहावना है, प्रेमी के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर सकते हैं आप। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज का दिन काफ़ी खुशहाल बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की संभावना है या कोई उपहार भी मिल सकता है। छात्रों को आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं गृहिणियाँ आज अपने परिजनों के साथ अपना समय व्यतीत कर सकती हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक की बात कर ली जाए तो वो है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज पंचम भाव में रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो सेहत को लेकर कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं, बेहतर होगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन के मामले में लकी रहेंगे, क्योंकि आज आपको किसी प्रकार के जो है निवेश से फायदा हो सकता है। आमदनी तो अच्छी रहेगी ही, इसका सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आज के दिन आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। घर परिवार से वैसा सहयोग नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। अक्सर मनुष्य जब भी दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो दूसरों से भी न चाहते हुए कुछ ना कुछ उम्मीद लगा बैठता है, और जब उसकी उम्मीद सामने वाला व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता तो वो उदास हो जाता है। इस बात के दोनों पहलुओं को आज आपको भी समझने की ज़रूरत होगी। परिवार के किसी भी सदस्य से मनमुटाव न रखते हुए उस व्यक्ति के लिए यथार्थवादी रवैया अपनाना उचित रहेगा, जो आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाएं। लेकिन इस बीच आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी होगी। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो आज के दिन भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। सकारात्मक सोच जिंदगी में गजब का जादू कर सकती है। कोई प्रेरणादायी पुस्तक पढ़ना या फिल्म देखना आज के दिन बढ़िया रहेगा। शादीशुदा जोड़ों को आज वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए खास प्रयास करने की आवश्यकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में प्यार बनाए रखने के लिए आज आप अपने जीवन साथी को कोई खास तोहफा दे सकते हैं या फिर उन्हें रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जा सकते हैं। छात्रों को आज अपने मनोभाव पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। समय जो है समाज के बीच ज़्यादा समय बिताकर कई बार आप कुछ ऐसी परेशानियाँ मोल ले लेते हैं जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता, और इससे बेवजह आपका वक्त खराब होता है। मेरी सलाह माने तो लिमिटेड लोगों से ही अपना संपर्क रखें और जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान दें।
गृहिणी आज पूरे दिन अच्छे मूड में रहेंगी और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगी। आज सामाजिक जीवन भी काफी प्रभावशाली रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर आज गणेश जी की कोई चित्र जो है कोई हमेशा अपने पास रखें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। हेल्थ के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज ऐसे काम कीजिए जिससे सभी लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वो पैसा मिल जाएगा और किसी अज्ञात स्रोत से भी धन मिलने की संभावना है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो आज पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज के दिन आप खुद से ज्यादा अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, जिस वजह से घर के लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा और घर में आपकी स्थिति सुधरेगी। लव लाइफ की बात की जाए तो कई बार प्रेम में झुक कर चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पक्ष खुद को सही समझते हैं और अपनी बातों पर अकड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में रिश्ता टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इस राशि के प्रेमी जातकों को मेरी सलाह है कि अगर किसी बात को लेकर आपके झुकने से चीज़ें सुधर सकती हैं तो झुक जाएं। झुक कर कोई छोटा नहीं होता। आज आप कुछ समय अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व का आत्मनिर्माण में अहम योगदान होता है। इस वजह से आप में पॉजिटिविटी भी आएगी। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज के दिन आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में थोड़ी सी तकरार भी हो सकती है, इसीलिए आज आपको खुद को किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को होने से रोकना होगा। आज आप अपनी समझदारी का उदाहरण देते हुए दिन के अंत तक इस मतभेद का अंत करने में भी कामयाब रहेंगे। आपको एक बात समझनी होगी कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। उसको टाले नहीं बल्कि डट कर उसका सामना करें और उसका समाधान खोज निकालें। स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो आज पढ़ाई में आनंद आएगा और आज के दिन हो सकता है कि आपको कुछ कहीं से कोई घूमने का भी आपको मौका मिले। दोस्त आपके, सहपाठी या कोई आपके जानने वाले आपको घूमने के लिए भी कहें, इससे पढ़ाई थोड़े समय के लिए लेकिन आपकी जो है बाधित हो सकती है, तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। हाउसवाइफ की बात की जाए तो आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। घर की किसी समस्या के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक आपके लिए जान लेते हैं तो वह है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी अंधे या व्यक्ति को या अपाहिज व्यक्ति को भोजन कराइए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्यस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके तृतीय भाव में रहेंगे। हेल्थ के लिहाज से दिन अच्छा है। ज्यादा मसालेदार भोजन खाने से और ऐसी जगह पे जहां ज्यादा गर्मी हो, धूप हो, उन जगहों पर जाने से आज बचिएगा, नहीं तो उसका असर आपकी सेहत पर खराब पड़ सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो लंबे वक्त से पेंडिंग बिल्स और उधार का भुगतान कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज आपसे लिया उधार भी लोग आपको वापस कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज यदि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से आपको धन मिलेगा भी। निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज निवेश कर सकते हैं सोने चांदी में। किसी भी क्षेत्र में निवेश करते समय बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। पारिवारिक जीवन आज सामंजस्यपूर्ण और सुलझा हुआ रहेगा। दिन के मध्य भाग में किसी खुशखबरी के चलते घर में खुशी की लहर दौड़ सकती है। वहीं जो लोग इस राशि के सिंगल हैं आज के दिन किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं वो अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दोस्तों के साथ आज ज़्यादातर समय किसी ऐसे काम में व्यतीत हो सकता है जो आपके लिए बेफिजूल का साबित होगा। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। कुल मिलाकर आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन साथी के साथ आज आप जो है कीमती समय बिता सकते हैं। आज आप बेफिक्र होकर जिंदगी के सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे। छात्रों को खासतौर से आज अपने गुरु से शाबाशी मिल सकती है। पढ़ाई में आज अच्छा प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। वहीं गृहिणियों की बात करें तो आज अपने परिजनों के साथ पर्याप्त समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। आप चाहें तो उनकी पसंद की कोई चीज़ आप कर सकते हैं उनके लिए। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर बहन, बेटी, मौसी, बुआ, साली कोई भी महिला को आज जो उनकी सहायता करें, पारिवारिक जीवन के लिए शुभ है। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज द्वितीय भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। किसी शारीरिक कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। वहीं आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लोगों को दिए उधार आज आपको वापस मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ भी आपको निश्चित तौर पर मिलने के आसार हैं। धन अर्जित करने के लिए आज आप किसी नई परियोजना में निवेश भी कर सकते हैं। वहीं आर्थिक तौर पर आज आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में आज शांति बनी रहेगी। वहीं लवर्स की बात की जाए तो आज अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। इस राशि के जो लोग मैरिड हैं आज का दिन काफ़ी खुशहाल बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी पसंदीदार जगह घूमने जा सकते हैं, उनसे कोई उपहार भी मिल सकता है। वहीं आज के दिन इस राशि के जॉब करने वाले लोग कार्यक्षेत्र में परेशान हो सकते हैं। आपको कोई सीनियर आपकी बात से खिन्न हो सकता है। छात्रों को आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा और घर के किसी सदस्य से आज पढ़ाई में मदद भी आप ले सकते हैं। गृहिणियों की बात की जाए तो आज के दिन जो है अपनी बातों को ज़्यादा खींच के बोलने से बचें, यानी आप ज़्यादा बातों को
ऐसे बड़ा ना करें, बतंगड़ ना बनाएं बातों का। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर तांबे का सिक्का पॉकेट या पर्स में आज रख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके प्रथम भाव में रहेंगे, यानी लगन भाव में। सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे। पैसों की बात कर ले तो कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा, अज्ञात स्रोत से भी पैसा आ सकता है। फैमिली में अच्छा वातावरण रहेगा, कोई मेहमान आ सकता है। बात करें कामकाज करने वाले लोगों की, तो आज कामकाज के चलते घर से अगर दूर रहते हैं तो घर वालों से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, भाई बहनों का भी साथ मिलेगा आपको। वहीं इस राशि के प्रेमियों की बात की जाए तो दिन अच्छा रहेगा, हालांकि आज आपको अपने लव पार्टनर के विश्वास और उम्मीद पर खरा उतरने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है आप ना चाहते हो भी कुछ ऐसा कर दे जिससे उनकी उम्मीद या विश्वास खंडित हो जाए। प्रेम जीवन में किसी भी तरह की बाधा आ रही हो तो समझदारी से उन बाधाओं को दूर कीजिए। दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। जीवन साथी से पहले जिन कामों को करने में रुचि लेते थे आप, यानी शादी से पहले, वो काम आज फिर से आप करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। नम्रता आपके व्यवहार का ऐसा गुण है जिससे आप सबका दिल जीत लेते हैं। सूर्य को बनाए रखें, जितना हो सके विनम्र बने रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से सबसे विनम्र हैं लेकिन सामने वाला आपके साथ कठोरता से बात करता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को संयम रखें और दूसरों की बातों को सुनकर अपने व्यवहार को ना बदलें। जो छात्र हैं आज ऊर्जावान रहेंगे और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने में आप सक्षम होंगे। अगर कोई विषय को लेकर मन में दुविधा है तो गुरुजनों से, सहपाठियों से बात कीजिए। गृहिणियों की बात करें तो ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज द्वादश भाव में रहेंगे। मानसिक चिंताओं से दूर रहकर आप खुद को किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद से बचा सकते हैं। योगाभ्यास करें, ध्यान करें। पैसों की बात करें तो आर्थिक हानि हो सकती है, रिस्क कहीं भी रिस्की जगह पर पैसा ना लगाएं। परिवार के बीच में आज स्थिति सुधरेगी, आज घर का कोई सदस्य आपको गुप्त बात बता सकता है अपनी। छोटे भाई बहन आज आपका सहयोग करेंगे। वहीं प्रेम जीवन में आज का दिन खास रहने वाला है। लव पार्टनर आज आपको कोई तोहफा दे सकता है या आपके मन पर को खुश करने के लिए कोई चीज़ कर सकता है। जो लोग इस राशि के मैरिड हैं आज का दिन बढ़िया है। आप और आपका जीवन साथी शाम के समय अच्छी योजना बनाएंगे और अच्छा टाइम बताएंगे। वहीं जो छात्र हैं हमारे, आज आपका कोई सपना पूरा होगा। वहीं गृहिणियों को सलाह दूंगी, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, गुस्से में आज कोई भी रिएक्शन देने से बचना है। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। और उपाय के तौर पर आज लाल चूड़ियाँ व लाल वस्त्र कन्याओं को दान में दे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज एकादश भाव में रहेंगे। आज के दिन आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। धन के मामले में सावधानी बरतिएगा, किसी पर भी ज़्यादा पैसे को लेकर भरोसा मत कीजिएगा। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो थोड़ा सा माहौल निराशापूर्ण रह सकता है। आपके दो मीठे बोल और प्यार का एहसास करवाना आज आपके लव पार्टनर को अपार खुशी दे सकता है। तो आज के दिन अपने प्यारे शब्दों से अपने पार्टनर का दिल जीतिए। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। आप और आपका लाइफ पार्टनर हंसी खुशी, प्यार और उल्लास से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अपने परिवार वालों को भी आज आप समय देंगे और सभी एक साथ, सबको एक साथ जोड़ कर रखने और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी को भी खुश रखेंगे, साथ में सब लोग रहेंगे। यानी आज का दिन मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों के लिहाज से ठीक है। छात्रों को आज अपने मनोभाव पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आज अति उत्साह में कुछ ज़्यादा मत बोल दीजिएगा। गृहिणियों को आज अपने मन में बातें नहीं रखनी चाहिए, उन बातों को उस इंसान से शेयर करना चाहिए जिसको लेकर आपके मन में कोई दुविधा चल रही है। अच्छे शब्दों के साथ उनसे वो बातों के बारे में आज चर्चा करते हैं तो रिश्ता फिर से सामान्य हो जाएगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर दूध में हल्दी डालकर पिए या नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। जाने से पहले ओणम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आज जिनका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई सवाल है, जेनरिक सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब दूंगी। और बाकी लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एस्ट्रोसेज वार्ता के लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।